बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आदीज़ वर्ल्ड। जी आज का न्यू व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। तकरीबन शकरान, ये कोई ऐसा कोई इलाका है, मुझे नहीं पता कि कौन सा इलाका है। यहाँ पर कोई सिग्नल नेट वगैरह कुछ भी नहीं चलता, तो बस अभी उठे हैं। टाइम तकरीबन 8 हुआ है, मैं फुल रेडी होकर यहाँ बैठा हुआ हूँ। नाश्ते के इंतज़ार में चाय वगैरह पी लें, थोड़ा नाश्ता कर लें, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये सामने पार्किंग है इस होटल की, और ये देखें जी, बड़े बड़े पहाड़। ये अपर नीलम का एरिया है और यहाँ पर हम आए थे नाश्ता करने, तो नाश्ता तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो लाल रोटी, लाल आटा और लाल रोटी होती है, हम जो घर में खाते हैं, तो यहाँ पर भी वही मिल रही थी, और उसकी जो प्राइस थी वो जस्ट 30 रुपीज़। तो ये चीज़ इम्प्रेसिव थी। वो जो रोटी होती है वो तबीयत भी नहीं ख़राब होती उससे, और यही जो हम घर में खाते हैं वही मिलती है हमें, और प्राइस जस्ट 30 रुपीज़। ये बात बहुत ही मुझे अच्छी लगी। और ये हम वहाँ से नीचे आ रहे थे, तो बहुत अच्छा रास्ता था, लेकिन रास्ता जो है वो छोटा था। एक गाड़ी आए आगे से तो दूसरे को सब्र करना पड़ता है। और ये अभी एक पार्क था नीचे आकर, तो वहाँ से इंडिया बहुत ही करीब था, बीच में सिर्फ एक नदी थी, तो वो भी हमने देखी। ये देखें जी, यहाँ पर ये मैं कश्मीर में खड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पर ये देखें, ये इंडिया का झंडा, ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया, ये। और यहाँ का एक लोकल था, उसने बताया कि ये जो नदी बह रही है, ये आधी हमारी है आधी उन लोगों की, हम ये क्रॉस नहीं कर सकते, उस तरफ जा नहीं सकते हम। ये देखें जी, ये रहा झंडा। में ये पुल क्यों बंद कर दी हुई है इन्होंने, इंडिया की ये क्रॉसिंग पॉइंट के लिए बनाया था, यहाँ से मुलाकात करते थे जो उधर हमारे थोड़ा स्पीक रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं, तो जी 2014 के बाद ये बंद कर दिया गया है। अच्छा, हालात ख़राब होने की वजह से। अच्छा, तो ये उनकी मेन चौकी है, बाकी ये ऊपर उनके बॉर्डर लगे हुए हैं। तो ये इस तरफ आपको जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जी, इस तरफ की ये जितने पहाड़ हैं, एक भाई इधर है, एक भाई उधर है। अच्छा, तो अब उनका कोई कांटेक्ट नहीं है? अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, पहले 2014 तक जी दौर में थे। जी जी, अच्छा अच्छा। अभी मैं कोमरी में हूँ, टैंक फुल करवा रहा हूँ, जो कल फुल करवाया था मरी से, नहीं सॉरी इस्लामाबाद से, हाँ इस्लामाबाद से फिल करवाया था, तो ये अभी दूसरा फिल हो रहा है मरी से, तो अभी चल रहे हैं वापस इस्लामाबाद, तो रात को वहाँ पर रुकेंगे, फिर नेक्स्ट सुबह जो है वो वापस। ये इस्लामाबाद आ रहे थे मरी से वापस, तो इमाम बरी की जो श्राइन थी वहाँ पर गए, बहुत ही सुकून था, बहुत अच्छा लगा जाकर। फिर जो है ये गेट है, फिर इससे हम अंदर गए, और यहाँ की बहुत ही अच्छी बात ये मुझे लगी कि ख्वातीन और हज़रात का रास्ता अलग अलग था, कोई भी साथ नहीं होगा।
इस्लामाबाद आ गए हम और जिस होटल में पहले रुके थे वो उस होटल में ही वापस आए क्योंकि सर्विस और सारी चीज़ें बेहतरीन। तो अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लगी है बहुत, दोपहर को खाना नहीं खाया था। ये जी रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। हर चीज़, हर किस्म का खाना यहाँ पर मिल रहा था और फ्रेश, बहुत ही टेस्टी। तो एक बात यहाँ पर थी वो ये थी कि जो बकरे का गोश्त है वो हमें देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो छतरा है उसको बकरा बोलते हैं, तो वो कंफर्म करना पड़ता है क्योंकि बकरे और छतरे में फ़र्क है। छतरा जिसे शीप कहते हैं। तो यहाँ पर दुम्बे भी बहुत सारे थे, ये देखें जी। देखने में तो हमें ये मतलब हो रहा था कि हम दुम्बा खाएं, लेकिन दुम्बे का गोश्त जो है जितना मैंने सुना है कि गर्म होता है। सारी चीज़ें अच्छी थी बहुत, और ख़ास करके ये जो पार्किंग का सिस्टम था वो सारी फूड स्ट्रीट में सबकी अलग अलग से पार्किंग थी। शुरू से लेके एंड तक सब अलग अलग पार्क कर सकते हैं, और खाने का तो कोई मतलब टेस्ट का एंड ही नहीं, बेहतरीन खाना था। और पैसे भी थे जो वो नॉर्मल जो होते हैं, तो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर हम व्लॉग का एंड करते हैं, और ये कि वीडियो की जो एंड थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो मैं यहीं पर ही वीडियो की एंड कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।